तो गाइस हम खाना लेके आए हैं आलू कुलचा, एक बार दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये देखो पूरी परात जैसे नोनू कह रहा है कुलचा। उसने दो मंगवाए वो भी देख के ही नोनू हैरान हो रहा है कि ये तो बेटा दो दिन खाने पड़ेंगे, एक दिन में तो नहीं मुक्ते। तो भाई अब हम आ गए बाहर एयरपोर्ट के, और मैं पूछ रहा था भाई से कि हमारी गाड़ी प्राइवेट कार, तो उसने बोला योर कार इज मैसेराटी, इट इज अ प्राइवेट बिजनेस क्लास। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है, लग रहा है आज पापा ने बुकिंग अच्छी करी है इस बार। नहीं नहीं तो प्लेन तो बिजनेस क्लास नहीं था, चल गाड़ी सही हमारे साथ रहेगा तो मौज करेगा। मम्मी हैज अ पॉइंट, प्लेन तो बिजनेस क्लास नहीं था। कहां है हमारी गाड़ी? हमारी नहीं आई अभी। पापा को ना बहुत जल्दी रहती है हर जगह। पापा को एयरपोर्ट पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आपको बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले इस व्लॉग को लाइक करो अगर आप सारे व्लॉग्स देखना चाहते हो। यहाँ पर निश्चय ने अभी अभी इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, दिखाओ भाई। ओ भाई भाई भाई, फिर भाई देख के कह रहा लग तो स्मार्ट ही रहो। मैंने देख के बोला ऐसा तो मैं हूँ भी नहीं। नहीं नहीं ऐसा ही है, इसको ना लगता ही नहीं कि ये स्मार्ट है, पता नहीं क्यों ऐसा, इसमें क्या इसको मम्मी कुछ है ऐसा लगता है इसको, ये स्मार्ट नहीं है। थोड़ी तारीफ करो। स्मार्ट मेरा बेटा है, स्मार्ट तो हो गई ना, माँ तो हमेशा ही बोलती है। अरे एकदम ये देखो गाइस क्या क्यूट ही लग रहा है यहाँ पर ये लड़का, कमेंट सेक्शन में तारीफ करो इस लड़के की। पापा का बेटा है यार, मम्मी का तो चलो छोड़ो। और एक्चुअल में तुम्हारे को बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर ना इतनी ठंड है, ऐसी मतलब एक डिग्री टेम्परेचर है और हवा चल रही है फट फट फट, अरे मुँह पे हवा लग रही है, तो मैंने पफर जैकेट पहनी हुई है। मम्मी भी चलो कवर्ड है, पर पापा को देखो शर्ट शर्ट में ही, इनको तो ठंड लगती नहीं। ये सर्दियों में निक्कर पहन के ये जैसे वो बोलते ना एमसी स्टैंड 4 करोड़ का आदमी चलता फिरता, ये आदमी चलता फिरता हीटर है, ठंडी नहीं लगती। वो बैग भी अपना है, और ये हमारी गाइस गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी देखो, ओ हो 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 हो, ये तो भाई लिमोजीन लग रही है। मैडम जी थोड़ा आगे आ जाओ, कोई गाड़ी उड़ा के चली जाएगी, ये क्या कर रहे हो? थैंक यू भैया। भाई गाड़ी देख लो, मजे लग गए बेटे। ओहो हो हो, मम्मी भी लाइक ये क्या है भाई? अरे धर्राटे काट रही है। ओम ओ ओए होए होए हो, ये गाड़ी देखो भाई, लिमोजीन से कम है क्या भाई? भाई भाई टेबल है गाड़ी के अंदर। और क्या चाहिए, मम्मी भी लाइक ओहो हो हो, ये तभी मैं समझा वो कह रहा था बिजनेस क्लास है, यहाँ पर पूरी स्क्रीन लगी हुई है, वाईफाई गाड़ी के अंदर, टेबल, हाय रब्बा, ये फुकरा इंसान और गाड़ी के अंदर फुकरा इंसान, मैंने इससे अच्छी गाड़ी कौन सी हो सकती है जिसको भी किडनैप करना बताओ। ओहो पापा भी लाइक मेरे को भी एंट्री दो। आ हा, कैसी लग रही है गाड़ी सर? मस्त। ओए ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक डोर, ओ ओ माय गॉड, बिना ले रहूंगे तेरे शिकर। पापा सारा काम अच्छा करते हैं आप, सिवाय बिजनेस क्लास लेके जाने के। अरे वो बिजनेस क्लास मेरा दिल नहीं पड़ता भाई, सच्चाई बता। ऐसे सच्ची बोलो, बोलने के लिए अलग बात है, जब तक सामने से ना मिले खुद के पैसे लगा के बिजनेस क्लास जाने का मन तो मेरा भी नहीं करता। क्लाउड देख रहा है पर सन तो तेरे पास है। कहाँ है? सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, चारी के बहुत हेडेक हो रहा है, 7 घंटे की फ्लाइट में मम्मी को कुछ हो गया है। पापा आप मम्मी को इतने साल कहाँ कहाँ घुमा के लाए, क्या हो रहा है इनको? ऐसे ही कष्ट पाए मैंने हर बार। नहीं मैं पापा ऐसी मम्मी का हर ट्रिप में। तू कौन सा पहली बार जा रहा है मम्मी के साथ, हर बार ही होता है उनका। मैं तो बोला ही मम्मी को रजापुर तक लेके जाना चाहिए बस। गाइस फाइनली हम होटल के पास, और ये देखो निश्चय स्टोरी बनाने में बिजी है। भाई चल ले भाई, उठा ले एक लगेज। भाई क्या ये जगह है, तुम एक बार ये देखो यार क्या व्यू है। ओहो हो हो, अब समझ गया कि तू स्टोरी क्यों बना रहा था। बढ़िया है जगह, नेक्स्ट लेवल जगह ना। मैं तो मम्मी प्यार हो गया जगह से यार। अरे भुट्टा खिला दो। अरे पहले वो कह रहे अपना होटल पहुंच जाओ फिर आके नीचे खा लेना। भुट्टा खिला दो। भुट्टा खिलाने के यहाँ पर रुपए नहीं लगेंगे ना, यहाँ पर यहाँ की करेंसी कौन सी पता, टर्की की करेंसी बता। रुक जा, पता है मेरे को नहीं पता। पता है, पता है, बताओ। लीरा सब आता है भाई। भाई एक्चुअली मैं बता रहा हूँ निश्चय इंटेलिजेंट है, मैं मान गया हूँ इस चीज को, क्योंकि इसको लीरा पता था। वाओ पापा भाई ये सब याद करता था मैं, कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है सब आता है मेरे को। तो गाइस हम रह रहे हैं सोफेटल टर्की, और हमने एंट्री ले ली है, और मेरे को ये होटल बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, और ये मेरा व्लॉगिंग का न्यू एक्सपीरियंस है, तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। दैट्स गुड ना।
चलो ये हमारे भाई निश्चय भाई। ताल से ताल मिला ओ भाई, अपग्रेड के लिए बोल रहे हैं क्या? आई एम ट्रिगर्ड इंसान, आई वांट एन अपग्रेड। निश्चय मैदान हमें एक्चुअली अपग्रेड मिल गया तेरे नाम। सही में हमने सुपीरियर रूम बुक्स करे थे, लग्जरियस रूम मिल गया। अच्छा हमने एक्चुअली पिच कर दिया था जब हम आ रहे थे ना, तो वी हैव अ लग्जरी रूम अपडेट। अपडेट नहीं अपग्रेड। तो अब गाइज निश्चय देगा हमारे को हमारा लग्जरियस रूम टूर 1509। पहले तो व्यू देखो, व्यू बड़ा अच्छा है। ये सोफे का कलर, ये तो सोफा नहीं है, ये चेयर का कलर बहुत अच्छा है। और ये देखो गाइज यहाँ लैंप भी है और पर्दा भी है ग्रे कलर का, वो भी इतना बड़ा टीवी। चोरी करके घर ले चलते हैं। आइडियाज मत दे लोगों को। भाई बाथरूम भी है। बाथटब है क्या? ओ नहीं बाथटब नहीं है। शिट गाइस हमें ना बहुत भूख लग रही है, बुत्ता खाना है। गाइस अब हम टर्की में पीने वाले हैं 50 करोड़ का पानी। ये देखो ये मेरे को फ्लाइट में मिला था और मैं ये लेके आ गया। 50 करोड़ का पानी पीते हुए ट्रिगर्ड इंसान। तो गाइस मम्मी की बैटरी हो गई है डाउन बहुत ज्यादा, और अब हम दो अच्छे बच्चे जा रहे हैं, डॉलर कन्वर्ट करवाएंगे, लीरा लेंगे, उसके खाने का सामान लाएंगे ताकि हमारे घर वाले कुछ खा सके, मम्मी दवाई ले सके। हम कितना मेहनती है यार, सारी मेहनत हमको करना पड़ता है। हमारे घर वाले बेचारे कमजोर हैं, बेचारे मतलब पापा तो वैसे कहीं नहीं जाते और मम्मी बीमार पड़ी रहती है, तो फिर सब कुछ। मम्मी तो कहीं चली जाए, मैं कह रहा हूँ कहीं भी चली जाए, मम्मी का बीमार होना लिखा ही है। और इसका बाल सेट करना हर लिफ्ट में। हम बेसिकली दिल्ली दरबार है यहाँ पर। बेसिकली हम पता क्या करते हैं कि इस वक्त ना ऐसा मौसम है यहाँ पर, धूप निकली हुई है पर रोड पे जाते ही 1 डिग्री टेम्परेचर। मतलब धूप है लेकिन इतनी चिल्ड हवा है, 1 डिग्री टेम्परेचर है भाई। 1 डिग्री टेम्परेचर है पर धूप भी निकली हुई है, एंड ऐसी मतलब गलियां बिल्कुल, गाड़ियां आ रही है बिल्कुल जेन्युइन ऐसी फील आ रही है, तो मूवी में आ गया है। सीरियसली ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म का पार्ट है। मतलब तू देखना आगे ब्लू स्काई है, गाड़ियां जा रही है उसकी तरफ, ठंडी हवा और जैकेट पहने हुए एक स्मार्ट सा लौंडा, एक बॉडीगार्ड जैसे दिखता माफिया वाले चश्मे भी लगा रखे हैं मेरे, और बस चल रहे हैं एक गली में। मतलब अलग ही भाई कुछ मजेदार सी फील है, तो मैं बता भी नहीं सकता। आई लव इट मैन, आई लव इट। भाई को जूस पीने आ गए, फ्रेश फ्रूट जूस ओरिजिनल। चाचा खुश हो गए मुझसे, मेरे बाल पूरे खराब कर दिए। चाचा वो आशीर्वाद दे रहे थे कि बहुत प्यारा बच्चा है और ऐसे ऐसे करके बाल पूरे हो गए थे। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए लेकिन बाल नहीं, बहुत प्यारे हैं पर फ्रेश। थैंक यू तुर्किश फ्रेश, Turkish fresh juice. Nice. Now it's time for tasting. Ultimate test. All right. The moment of truth. क्या सर? कुछ अलग है। लाजवाब। है? अलग ही है कुछ। है? अलग ही है कुछ। है? अच्छा मैं बताता हूँ। Fresh. Very tasty. Yeah. Very nice. My God, ये जगह कितनी ही प्यारी है भाई। ये वाला स्क्वायर बहुत ही प्यारा है यार, नेक्स्ट लेवल है। मतलब यहाँ खड़े होके एक्चुअली में एकदम मूवी वाली वाइब है। पीछे भाई इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग। माय गॉड गाइस, स्माइल कर मुझे फोटो खींचता है। अब वो मेरी फोटो खींच रहा है। वेरी गुड, यू से आई एम स्मार्ट। चाचा कह रहे हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। He's saying me very smart. You are also very handsome. Romania, Rasim. Football. He, my bodyguard. Mashallah. He protect me. Mashallah. We need protection. Mashallah. One chicken, how much? 30 lira. वो 120 रुपये। 30 लीरा इज इक्वल टू 120 रुपीज। बाय गॉड इतना ज़्यादा जूसी, इतना ज़्यादा मीठा भुट्टा है ना, ज़्यादा ही मीठा है। मतलब
इतना मीठा भुट्टा कभी नहीं खाया मैंने, खाने का मन भी नहीं होगा कभी नहीं, क्योंकि सच में बहुत ही ज्यादा मीठा है, मतलब एक एक बाइट में इतना वो आ रहा है। वाओ, निश्चय गॉड अ फैन इन टर्की। क्या नाम है आपका? वाओ क्यूटी। चलो, मुझे ये नहीं पता था टर्की में भी मिल जाएगा कोई। प्रेरणा की भी वीडियो देखते हैं, इसकी नहीं देखते? तेरी भी देखती है भाई। अरे वाओ, वो छोटी बच्ची मुझे वो धमकी देके गई है, पहले पूछती मैं आपके ब्लॉग में तो आऊंगी, मैंने कहा नहीं, कह रही है आनी चाहिए हूँ। तो अभी हम खाना लेने आए थे दिल्ली दरबार, तो खाना भी रेडी हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे बॉस हैं इधर के, इधर के ये बॉस सर है। हेलो बॉस सर। एंड काफी सारे लोग यहाँ भी पहचान गए यार। चले, बहुत माशाल्लाह बच्चे हो। तो गाइज हम खाना लेके आए हैं अब ऊपर, और रोटी यहाँ का साइज देख के तो चलो ठीक था, बट आलू कुलचा एक बार दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये देखो, पूरी परात जैसे नोनू कह रहा है, उसने दो मंगवाए हैं, वो भी देख के ही नोनू हैरान हो रहा है कि ये तो बेटा दो दिन खाने पड़ेंगे, एक दिन में तो नहीं मुकते। उसकी जगह देखो, अरे ये खाएगा कौन? भैया मेरे को कहते हैं आलू कुलचा बनने में ना टाइम लगता है। है क्या ही टाइम लगता है, ये तू खा ले फिर। मैं समझ आया भाई, एक आध दिन पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती होगी। ये तो 24 घंटे में ईटिंग चैलेंज होगा, नोनू तब जाके कम्प्लीट कर पाएगा इसको। ओके अप्रूव। सो गाइस फाइनली 8 घंटे बाद सफ़र करने के बाद, SUFFER वाला सफ़र करने के बाद, मम्मी के मुंह पे स्माइल आई है खाना खाने के बाद। दवाई खाई है तो ठीक हुई हूँ, वॉमिट करी है पहले। लोग सोच रहे होंगे ये खाना नहीं खिलाते अपनी मम्मी को, इसलिए तबीयत खराब रहती होगी। ओके गाइस, तो अभी निश्चय सो गया, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा मम्मी पापा को घुमाऊँ एक बार, ये बेड पे सोने को ही आया है ना मम्मी? बिल्कुल। तो अब हम आए हैं तकसीम स्ट्रीट घूम रहे, और भाई ये स्ट्रीट देखो भाई, पापा ठंड लग रही है क्या? अल्लाह जैकेट आने, मैं कह रही हूँ मेरे को शॉपिंग करवा दो, तो कह रहे नहीं शॉपिंग थोड़ी करनी है यार। एक्चुअली पता क्या है, हमने एंड के दो दिन फिर इस्तांबुल ही आना है, तो फिर जब हम तब आएंगे तब शॉपिंग कर लेंगे, है ना भाई? अभी क्या करना शॉपिंग करके। और ये देखो एडिडास का क्या स्टोर है, पहनने के लिए कपड़े ही नहीं। तो गाइस यहाँ पर जैकेटें फुल गीली हो रही है, मैंने ना ये दिखाना तुम्हारे को, यहाँ का ना सैलून देखो एक बार, ये लक्सस सैलून है, इसकी बिल्डिंग ज़्यादा ही बड़ी नहीं है। ओ बेटे, ये होते हैं भाई सैलून नेक्स्ट लेवल। ये अब आए हैं यहाँ पर, तो तुम्हारे को दिखाई देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मतलब हमारे होटल की ये स्पेशलिटी कि हमारे होटल के पास ही मैकडोनल्ड्स है, खाने की सारी चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ यहाँ मिल जाएगी, बट बहुत ठंड है और बारिश तो कभी भी हो सकती है भाई यहाँ। देखो कहीं पर भी आ जाओ, लेडीज़ की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती, इसलिए घूमना पसंद नहीं होता मेरे को। ये देखो मेरी मम्मी जी को आते ही जूते खरीदने, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। कुंडा कुंडा कुंडा, क्या बोलना चाहते हो? कुंडा 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 हो गया। पता नहीं भाई, जहाँ जाओ लड़कियों को शॉपिंग ही चाहिए, मैंने तो ये देख लिया। ये तो सही, टर्की आके ये नहीं टर्की आइसक्रीम का है, हम तो जूते खरीदेंगे भाई। पर भाई मम्मी का तो हवा निकल गई है, मम्मी की क्या हमारी भी हवा निकल गई है, बहुत ठंड है भाई यहाँ पर। पापा कैसा लग रहा है ठंड में? भाई आप लगा लो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर और ठंडी हवाएं सर पे पड़ रही हैं। ओहो हो हो हो, अभी हमारे को यहाँ से क्रूज में जाना है, क्रूज वो हो, तो पानी के अंदर को और ठंड लगेगी। आर यू रेडी फॉर द एक्साइटमेंट डैडी? या ये हमेशा रेडी होते हैं। आई एम नॉट रेडी भाई, इट्स टू कोल्ड मैन। ये देखो अभी ठंड से मर रहे थे दोनों जाने, सर्दी में नाक बह रही है और आइसक्रीम खानी है। ओहो हो हो, क्या है ये ऐसा जुनून भाई, मैं बता रहा हूँ टर्की आई हूँ, ऐसे तो आइसक्रीम नहीं हो पाएगी टर्की वाली। पापा देखो, आपने कुछ पीना है खाना है? नहीं भैया, बस हम तुम्हें खाता देख के खुश हो जाते हैं। कैसी है? बहुत यम। चलो मेरा तो पोमोग्रेनेट जूस बन रहा है। तो अभी आ गए हम क्रूज पे और अंदर बैठ गए, एक सेकंड में खोलने का बहुत मूविंग। और जब हमने दुबई में क्रूज लिया था, तब हमने कहा था कि आज के बाद हम क्रूज पे कभी नहीं आएंगे, लेकिन मलन साहब है ना, इनको क्रूज के बिना मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए क्रूज में एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हमें खाने को मिला है सैलेड, लेडी लाइट्स, ब्रेड, एवरीथिंग वेजिटेरियन बॉक्स पर है।
अपनी प्लेट से सामान निकाल निकाल के दे रहा है कि तू खा ले, कितना प्यारा है वो बात अलग है कि उसको पसंद नहीं आया कि उसने खाना नहीं, इसलिए चावल खा रहा हूं। तो गाइस टकी भाई जब आया था ना टर्की में, टकी भाई साथ जो है, अरे वो चली गई, तो उनको भी एक बिल्ली मिली थी जिसको उन्होंने पेट कर लिया था। ये वही बिल्ली है, हमें भी मिल गई, भाग गई। टकी भाई की बिल्ली फ्रेंड मिल गई इन टर्की। अबे जाके क्या करूँ, पकड़ लूँ उसको व्हाट्सएप। ये क्या कर रही है, डक्की भाई को ढूंढ रही है, वो कह रही है मेरा फ्रेंड कहाँ गया। कार्ड ही ना दे मेरे को, ये पीछे हट जा। ओके लेट्स गो, बाय बाय। पोज ही नहीं दे रही यार थंबनेल के लिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, कल फिर मिलेंगे। क्या इंग्लिश में दैट इज ऑल फॉर टुडे? क्या मम्मी आउटर कर रही है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब्बू कह रहा है वो इंग्लिश इज ऑल फॉर टुडे, आई एम डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।